नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एसएम न्यूज़ के डायरेक्टर एंड फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, और हर एक आंदोलनों पे, चाहे कोई भी जगह हो बहुजन समाज की, वहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और वहाँ पे भोजन पानी की व्यवस्था भी करवाते हैं। और आज भी इन्होंने बहुत अच्छा एक चाय का स्टॉल लगवा रखा था जिसपे पूरी नाई की चाय नाश्ते की व्यवस्था करी हुई थी। सर, एक बात बताइए, ये इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति कहाँ से आती है? वो आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है लग रही है, और कहीं भी आज भी आपके अंदर युवाओं से कम जोश नहीं लगता है, तो क्या ये एनर्जी का राज है वो बताएँ। एक्चुअली एनर्जी आती नहीं है, एनर्जी लाई जाती है, और ये एनर्जी सब बाबा साहब की दी हुई है। जिस समय बाबा साहब का नाम होता है, मेरे पैर भी थोड़ा लंगड़ा के चलता हूँ, लेकिन बाबा साहब का जिस दिन प्रोग्राम होता है उस दिन ऑटोमेटिक मेरे में उत्साह आ जाता है, और अपने आप एनर्जी मुझे पता नहीं चलती कहाँ से आती है। लेकिन बाबा साहब का सुबह में जब से स्मरण करता हूँ, और लोग बोलते हैं पूजा नहीं करते हैं या पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है बाबा साहब का फ़ोटो और भगवान बुद्ध का फ़ोटो रखिए, और ज़िंदगी में आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। ये बिल्कुल पक्का फॉर्मूला है। आप ज़िंदगी में बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का दो फोटो रखिए, और उनको धूप सुबह लगाइए, और आप उनको दर्शन करके चलिए, आपका सारा दिन कल्याण रूपी होगा। और जब भी कोई आपके बाल बच्चे या किसी तरह की झामी, में आम पब्लिक को बताता हूँ, कोई दुख होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो सिर्फ इन दोनों का नाम लीजिए। आपको मेरे विचार से आप धैर्य रखिए, आपको दवाई तक की कोई आवश्यकता नहीं है, इनमें इतनी शक्ति है और ऑटोमेटिक हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। रही यहाँ तक स्टॉल की, मैंने कई साल से, क्योंकि मैं 75 ईयर्स हो गया मेरा उम्र, तो बहुत सारे देखे, लेकिन 14 अप्रैल में 3 साल से कुछ जोश आ रहा है, और इस बार थोड़ा बड़ा है, लेकिन लोग 14 अप्रैल के दिन बहुत सारी स्टॉल लगती है, और यहाँ पर इतना भीड़ लग जाता है, यहाँ पर निकलने तक की जगह नहीं रहती है। लेकिन आज के दिन 6 दिसंबर को लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों मंदबुद्धि आ गई है, लेकिन अब इस समय कुछ सुधार हुआ है, और मैंने अपने फेसबुक से भी और अपने टेलीफोन से भी, मेरे मित्रगण बहुत हैं, मैंने इतना उनको प्रोत्साहित किया है, एडवर्टाइजमेंट किया है अपने फ़ोन के थ्रू कि आप यहाँ पर स्टॉल लगाइए, और यहाँ पर लोगों को दिखाइए कि हम बाबा साहब ने जो कुछ दिया है ये उनके ही आशीर्वाद से है। तो मैंने भी आज शुरू किया है, चाय का स्टॉल किया है, थोड़ा भोजन की व्यवस्था करनी थी लेकिन बिस्कुट तक ही रह गए। अगली बार से मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ पर मैं अपना स्टॉल लगाऊंगा, खाने का स्टॉल लगाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथीगण इसमें आएंगे, भाग लेंगे, और इस बार से अगली बार ये 14 अप्रैल से कम का पर्व नहीं होगा। सिंह साहब जी, एक बात बताइए, मैंने देखा था कि एक छोटी सी बिटिया भी आपके उसमें थी, तो और अब बड़े बच्चे भी थे, आपकी बिटिया भी दौड़ दौड़ के चाय पिला रही थी, घर लोगों को जा के दे रहे थे, तो आपका पूरा परिवार जो लगा हुआ इसी में लगा हुआ है क्या है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी आपने पूरे बाबा साहब के लिए समर्पित कर दिया है, तो इसका मेन जो मूल मंत्र है वो क्या है? ये बहुत अच्छी बात बोला है, ये जो शुरू से ही होता है कि कोई भी काम अगर आप शुरू से बचाएंगे, बच्चे को जैसे ही स्टडी देंगे उस तरह होता है। अब मेरे घर में बाबा साहब का के सिवा एक तो दूसरा कोई फोटो नहीं मिलेगा आपको, और जो भी बात करता है, मेरे छोटे छोटे ग्रैंड डॉटर है, एक मेरी 3 साल की ग्रैंड डॉटर है, वो भी जय भीम जय भीम जय भीम बोलेगी और डांस करती है, और ऐसे ही मेरे बच्चों ने आज चाय वगैरह पिलाया है, इनमें इतना जोश है बच्चों में, और वहाँ पर छुट्टे नहीं, पापा आज हम छुट्टी करेंगे, एक दिन की छुट्टी हम अवश्य करेंगे, और उनका आज का स्कूल था, स्कूल होने के बावजूद भी वो लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है। तो ये सब घर से बनता है, लोगों को मेरी तरह उत्साह आना चाहिए, और उनको किसी तरह प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार डालें जिससे उन्हें बाबा साहब के प्रति भावना बढ़े। आप थे केरी सिंह जी, जो एसएम न्यूज़ के फाउंडर हैं। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप एसएम न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, और इन्होंने कितनी खूबसूरती से बताया अपनी एनर्जी का राज। अगर आप भी अपने अंदर एनर्जी लाना चाहते हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के फ़ोटो को सिर्फ एक बार स्मरण करके चलेंगे, तो आपकी सारी थकान, सारी परेशानियाँ अपने आप दूर हो जाएंगी। सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपको और आपके पूरे स्टाफ को। जय भीम, नमो बुद्धाय।